नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में मोक्षीग्राम डी आई ड्रॉप के बारे में। जानेंगे क्या होती है, कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है, काम किस तरह से करती है, कहां मिलती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए मोक्षीग्राम डी एक आंखों में डालने की आई ड्रॉप आती है, दवाई की दुकान पर डॉक्टर की पर्ची से मिलती है, सेल्फी उस मत कीजिएगा। बात करते हैं भाई ये क्यों दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम में ये डॉक्टर देते हैं, क्या सिम्टम ऐसे होते हैं जहां पर ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए ये आंखों में डालने की एक आई ड्रॉप आती है, ये वहां दी जाती है जहां पर आंखों में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिखाई देता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आंखों में तो वहां पर डॉक्टर दे सकते हैं, या आंख से पानी आना, आंख से बहुत ज्यादा पानी आता है तो डॉक्टर दे सकते हैं, या आंखों में इचिंग चलती है, आंखों में मीठी मीठी खुजली चलती है, आंखें लाल रहती है, टाइट बहुत ज्यादा रहती है आंखें, ठीक है, जैसे आप धूप में देखती हो आंखें खुलती नहीं है, खुजली चलने लगती है, या थोड़ा डस्ट लगने से भी आंखें लाल हो जाती है, पानी पड़ने लगता है, तो डॉक्टर दे सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर आंखों का कोई ऑपरेशन हुआ है तो आफ्टर सर्जरी के बाद आंखें लाल रहती है, पानी करने लगता है, आंखों में दर्द रहता है, तो वहां पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। या कोई फोड़ा फुंसी हो गई आंखों में, आंख की पलक के ऊपर किसी जानवर ने मतलब जहरीले जानवर ने काट लिया है, आंखों में सूजन आ गया है, आंखों में दर्द है, गीड़ आ रही है आंखों में, तो वहां पर भी दी जाती है आंख आना जिसको हम कहते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर दे सकते हैं। बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो इसके अंदर दो कंटेंट आते हैं, पहला है मोक्सीफ्लोक्सासिन, दूसरा है डेक्सामेथासोन। देखिए मोक्सीफ्लोक्सासिन जो होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहां ये काम करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। डेक्सामेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, काफी सेफ स्टेरॉइड है और काफी हेल्प भी करता है, प्रॉब्लम को जल्दी कवर कर लेता है, और कुछ केमिकल मैसेंजर ऐसे होते हैं जो सूजन को बढ़ाते हैं, इरिटेशन बढ़ाते हैं, खुजली बढ़ाते हैं, तो वहां पर ये काम करता है, सूजन में, इरिटेशन में, रेडनेस में काम करता है डेक्सामेथासोन, इसलिए साथ में मोक्सीफ्लोक्सासिन साथ देते हैं, जल्दी प्रॉब्लम रिकवर हो जाती है। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, तो देखिए डोज जो होती है ये डॉक्टर ही बताते हैं, अगर नॉर्मल डोज की बात करूँ तो दिन में दो बार डाली जा सकती है, तीन दिन चल सकती है, पाँच दिन चल सकती है, एक मंथ भी चल सकती है, प्रॉब्लम को देखा जाता है, वैसे बहुत ही कम चांस में थोड़ी लंबी चलती है, थोड़े दिन बाद बंद हो जाती है, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं, जैसे कि इरिटेशन हो सकती है, डिसकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, डालने के बाद थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं। सावधानी यही रखिएगा दोस्तों, कभी भी इसका सेल्फ यूज मत कीजिएगा, कोई महिला प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में है वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। सील ओपन होने के बाद ये बेस्ट बिफोर वन मंथ ही यूज की जाती है, इसके बाद ये खराब हो जाती है, अगर एक महीने बाद अगर आप यूज करोगे तो यूज नहीं करनी चाहिए, आपको नई आई ड्रॉप लेनी पड़ेगी। मिलते हैं।